नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट यूर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं ड्रॉप इन एंकर्स के बारे में। ये जो आप ड्रॉप इन एंकर्स देख रहे हैं, ये 12 का है, ये 10 का है, 8 का है और ये 6 का है। इसके अलावा भी आपको जो है 20 mm तक का भी आपको ड्रॉप इन एंकर्स मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रनिंग होते हैं हमारे देश में, ये 4 साइजेस रनिंग होते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादातर बड़े कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपके POP के कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। POP मतलब जो इंटीरियर डिजाइन वगैरह करते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर स्पेस आपको कंज्यूम नहीं होता है और बहुत ज्यादा लोड जो है इसके ऊपर आपको वैसे भी लगाने का नहीं है POP के कामों में। और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा अपार्टमेंट के नीचे वगैरह जो पाइपलाइंस वगैरह पास होते हैं, गैस के, फायर के या पानी के, सीलिंग में जो भी आपको पाइपलाइंस वगैरह पास होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है सभी एंकर फास्टनर्स के कंपैरिजन में। और इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है ये भी बहुत इजी है। और दोस्तों इसका जो है एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है और ये जो है ये इसका एक्सपांडर कोन होता है। कोन इसके अंदर जाता है, जब आप कोन के पीछे से इसको हैमर करते हैं तब इसके जो आगे के जो फिन से ये एक्सपांड होते हैं, तब जो है ये बराबर तरीके से बैठ जाता है। अभी एक्सपांडर कोन जो है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं आपको कंपनी वाले जो है एक प्लास्टिक का टुकड़ा इसमें डाल के आपको दे देते हैं। और दोस्तों ये जो ड्रॉप इन एंकर है इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है एक स्पेशल सेटिंग टूल की जरूरत होती है। अगर सेटिंग टूल नहीं है तो आप आपका खुद का भी एक सेटिंग टूल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वेज एंकर लिया है। वेज एंकर में 2 नट डाले हैं और नट के बीच में एक वॉशर डाला है, और जो सबसे ऊपर वाला जो नट है ये फ्लैंज नट है, मतलब नॉर्मल नट मैंने नहीं डाला है। आप नॉर्मल नट भी डाल सकते हैं लेकिन फ्लैंज नट जो है थोड़ा सा बेहतर है। वेज एंकर के बदले जो है आप बोल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एक थ्रेडेड रॉड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेज एंकर इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अलग ही बेनिफिट है। ये जो इसका स्लीव है इसे अगर आप निकालेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है आपके ड्रिलिंग मशीन के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बैठ जाता है। मैंने जो है इसका स्लीव निकाला है वेज एंकर का। तो इसका बेनिफिट क्या है ये आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए हैमर मशीन्स में क्या होता है, आपको हैमर ओनली मोड होता है, यानी कि हथौड़ी का काम खुद मशीन कर सकता है, आपको अलग से हथौड़ी लेके इसको ठोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोल्ट वगैरह लेते हैं तो बोल्ट जो है इसके अंदर नहीं जाता है, आपको उसका जो हेड होता है उसको कट करना पड़ता है, फिर से इसको यहाँ पे माउंट करना पड़ता है। इसलिए जो है आपको वेज एंकर आपके लिए बेहतर रहेगा। इसकी जो बॉडी है ये भी बहुत सॉलिड है। आप उसके बदले जो है पिन एंकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पिन एंकर में जो है यहाँ के साइज, यहाँ पे जो मैंने आपको मार्किंग किए हैं यहाँ पे जो है आपको नट नहीं बैठता है, तो ये आपके कामों के लिए बेहतर नहीं है। तो सबसे पहली बात जो है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसका जो लेंथ होता है ना उसी के हिसाब से आपको होल करना है। इस वीडियो के नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि हमारे एक ब्लॉग के लिए जाता है। वहां पे जो है मैंने सारे जो भी ड्रॉप इन एंकर्स होते हैं उनका लेंथ और उसके लेंथ के हिसाब से आपको कितने का डायमीटर का छेद करना है वो भी सब कुछ मैंने मेंशन किया है। 12 के लिए आपको 16 का लगता है और बाकी के इससे छोटे जो आते हैं इसमें आपको जो है 2-2 mm ज्यादा लगता है, यानी कि 10 के लिए आपको 12 का लगेगा, 6 के लिए आपको 8 का लगेगा, 8 के लिए आपको 10 का ड्रिल लगेगा। और एक ध्यान देने वाली बात जो है, ये जो सेटिंग टूल है, सेटिंग टूल कैसे काम करता है मैं आपको एक बार बताता हूँ। आपने देखा यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, मैंने इसके अंदर इसका कोन डाला है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे इसको डाल के हैमर करना है। हैमर बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो ये एक्सपांडर कोन जो है इससे बाहर आ जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो एक स्पेसिफिक लेंथ होता है उसी के हिसाब से आपको हैमर करना है। तो सेटिंग टूल में जो है आप इसका जो लेंथ वगैरह है कितना रखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो मैं आपको लेंथ बताता हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये M6 का ड्रॉप इन एंकर है और ये जो है ये M5 का एक बोल्ट है। यहाँ पे जो मैंने एक नट डाला है और इसका जो गैप है मैं आपको टोटली बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो गैप आपको आता है वो आपको एग्जैक्टली 11 mm आना चाहिए। तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप 11 mm कैसे लगा सकते हैं। देखिए आपको एक सस्ता सा एक वर्नियर लेना है, वर्नियर में लेके आपको यहाँ पे पहले ही गैप सेट करना है। यहाँ पे आपको मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेटिंग करना है 11 mm। उसके बाद जो है यहाँ पे एक उसका डेप्थ किया जाता है, इसमें आपको मापना है। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, सभी के लिए ऐसा ही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। यानी कि ये जो है ये आप टेप में सब इसमें लगा नहीं सकते हैं,
इसके लिए जो है यही टूल आपके लिए बेहतर है। ये जो है ये 8 mm का ड्रॉपिंग एंकर है, इसके लिए जो है मैंने 6 mm का बोल्ट इस्तेमाल किया है। और ये जो गैप है ये टोटल जो है ये 18 mm है। फिर से मैंने आपको बोला आपको इसमें जो है सेटिंग करना है 18 mm पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट 18 mm आना चाहिए। और M10 के जो ड्रॉपिंग एंकर के लिए हमने यहाँ पे एक वेज एंकर लिया है जो कि आपको 8 mm का है। तो इस केस में क्या करना है, आपको 28 mm का यहाँ पे गैप रखना है। तो उसी तरह अगर आपको 12 mm का ड्रॉपिंग एंकर लगाना है तो आपको जो है उसी तरह आपको ये जो गैप आपको होता है नट तक, ये आपको 33 mm होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसका लेंथ होता है, जितना इसका लेंथ है उसी का लेंथ का आपको छेद करना होता है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अभी ये जो है ये 12 का है तो आपको जो है 50 का लगेगा, ये 10 का है ये आपको 40 का लगेगा, 8 के लिए जो है 30 का लगेगा, और जो ये है इसका 25 लगेगा M6 के लिए। सबसे पहले जो है ये ड्रॉपिंग एंकर कैसे एक्सपांड होता है इसका एक हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद जो है एक सैंपल जो है हम आपको दीवार में लगा के दिखाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये M10 का एंकर है, इसको जो है हमने यहाँ पे पहले लगाया है आपको दिखाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले जो ड्रॉपिंग एंकर है उसको आप छेद में डाल देंगे, उसके बाद जो इस सेटिंग टूल को डाल के आप इसको हैमर करेंगे। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये एक्सपांड हो चुका है। दोस्तों इसको जो है हमने इंस्टॉल किया है हथौड़ी का इस्तेमाल करके। अभी जो है हम ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए ड्रिलिंग मशीन में आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए इस ड्रिलिंग मशीन में हैमर ओनली मोड होना चाहिए। 26 mm के जो भी ड्रिलिंग मशीन आते हैं उसमें आपको 3 मोड मिलता है। तो पहले जो है हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक ड्रिलिंग चक लेना है जिसको यहाँ पे एक SDS अडाप्टर भी मिलता है, पहले आपको उसको डालना है। उसके बाद इसको यहाँ पे डाल के इसको कसना है। इस वेज एंकर का जो स्लीव है उसको मैंने निकाला है। उसके बाद जो है मैंने आपको पहले इसका लेंथ बोला है उसी को आपको यहाँ पे सेट करना है वर्नियर की मदद से। ड्रिलिंग मशीन को जो है आपको हैमर मोड में डालना है, उसके बाद जो है चक को आप इसके अंदर डाल देंगे। अभी जो है ये हैमर में काम करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से हैमरिंग करता है। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से बैठ चुका है। और फाइनली दोस्तों हम जो है यहाँ पे एक ड्रॉपिंग एंकर इंस्टॉल करेंगे। हम जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो M10 का है, यानी कि उसका जो ड्रिल आएगा आपको 12 mm का आएगा और आपको जो लेंथ आएगा वो 40 mm का आएगा। तो आप अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने ड्रॉपिंग एंकर को डाल दिया है अंदर। ये जो है ये इसका सेटिंग टूल है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉपिंग एंकर है इसके अंदर बैठ चुका है। तो फाइनली जो है हम यहाँ पे पहले एक वाशर डाल देंगे, पहले हमको वाशर डालना पड़ता है, नहीं तो ये थोड़ा सा अलग ही दिखता है। अगर आप वाशर यहाँ पे पहले डाल देंगे तो जो होल वगैरह है वो थोड़ा सा साफ दिखता है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को पहले लाइक दें, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप हमारे वेबसाइट से भी टूल्स और हार्डवेयर खरीद के भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।